हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं ऐसे सुबह नमाज़ पढ़ के वॉक के लिए निकला हूँ, तो सॉरी, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग बना लो। तो ये हमारा छोटा सा टाउन है, महमदी टाउन, खाने वाले के करीब। तो यहाँ पे वॉक लोग कर रहे हैं और सुबह का वक़्त है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। रूह अफज़ा हवा चल रही है, वैसे तो सर्दी है, धुंध भी है थोड़ी सी। इससे पहले काफ़ी धुंध थी जब मैं सुबह सुबह आया हूँ, तो अभी थोड़ी सी कम हो गई है। तो भाई, सुबह उठ के वॉक किया करें, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और जो है अच्छी मतवाजन ग़िज़ाएँ खाएँ, क्योंकि आजकल बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं। कोरोना फिर आ गई है, सुनने में आ रहा है, पाकिस्तान में भी, कराची में किसी को अल्लाह फरमाया हो गया। तो बहरहाल ख्याल करना चाहिए सेहत का, और थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा सेहत का ख्याल करना चाहिए। अच्छी ग़िज़ा खाएँ, मुतवाजन ग़िज़ा खाएँ, चाहे भले सादी हो, सब्ज़ियाँ खाएँ और गोश्त जो है वो खाएँ, अच्छा गोश्त, ताज़ा, जैसे यानी कि जो जानने वाला कसाई हो उनके पास जाके। तो हर एक पे बिलीव ना करें, नहीं तो सेहत का बड़ा नुकसान होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि सेहतमंद मुसलमान जो है वो बीमार मुसलमान से अफजल है। तो ये अल्लाह की नेमत है, हमें रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ताकि हम पूरे दिन की एक्टिविटी कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमने, अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी डाली है। मतलब सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो अल्लाह की इबादत है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, अखलाक के साथ पेश आना है। तो इसके लिए ज़हरी बात है, नबी सुन्नत, सीरत नबी को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसका हमारे पास इल्म होना चाहिए, सही उलमाए किराम के साथ उठना बैठना होना चाहिए, ताकि उनसे हम सही नॉलेज और इल्म हासिल करें। हर काम को करने से पहले पूछा करें, कहीं वो खिलाफ सुन्नत नहीं है, हराम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे नौजवान आजकल के, जैसे उनको नज़र आता है कि सूरज सूर्य नहीं कर रहा है माशाल्लाह, और काफ़ी सारा धुंध भी है। तो मैं कह रहा था कि बहुत सारे नौजवान हैं जो, उनको जैसे पता लग जाए कि यहाँ से अर्निंग हो रही है, बस वो ठीक है जी, वो शुरू हो जाते हैं। तो असल मुसलमान और जो नबी पाक सल्लम से मोहब्बत करने वाला मुसलमान है, वो वही है जो पूछ के चले कि ये काम जायज़ है ना जायज़ है। जैसे एक बुज़ुर्ग का वाक़ है, हालांकि उसमें गलत तो नहीं है, खाने की चीज़ थी, तो उनके इलाके में खरबूजा नहीं पाया जाता। तो जब वो खाने लगे तो किसी मुरीद ने उनके सामने पेश किया कि हज़रत जी सुनो सुनाए, उन्होंने कहा कि मैं इसे कैसे खाऊं, मुझे नहीं पता कि नबी पाक सल्लम ने कैसे खाया, इसको काट के खाया है, तोड़ के खाया है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें होती है। वन मिनट जी, मेरा कैमरा थोड़ा स्टक हो गया था। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं इल्म के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरबूजा जो है वो तोड़ के खाया है या छुरी से काट के खाया है। तो इतना ज़्यादा ख्याल करने वाले ऐसे लोग थे। तो बाद में ऐसे नौजवान भी आए जो कि उन्होंने कुरान हदीस के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी ढाली है। इसमें हमारे आजकल के काफ़ी लोग हैं, ऐसे क्रिकेटर में से मोहम्मद यूसुफ, जो पहले यूसुफ जोहाना थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसी तरह काफ़ी यानी कि मुस्लिम खिलाड़ी, सॉरी, जो नॉन मुस्लिम थे बाद में मुस्लिम हो गए, तो उन्होंने इस्लाम कबूल करके अल्लाह के साथ जो है पूरे सबूत दिया है दीन का, दीन पे चलने का। तो मेरे प्यारे व्यूअर, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत ही मुख्तसर है। कुछ अर्सा पहले मेरे हवाले से का इंतकाल हुआ है, अजीब सी फीलिंग थी थोड़ी सी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई है, तो पहले दाढ़ी नहीं थी या छोटी थी, तो नहीं, कोई पता नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए और
मौत से पहले पहले अल्लाह राज़ी हों और अल्लाह के पास जाएँ ताकि दुनिया की परेशानियाँ दुख तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकते हम, दुनिया की बीमारियाँ, यहाँ की गर्मी सर्दी इस तरह की चीज़ें बहुत सारी दुख तकलीफ हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आखिरत कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसलिए अच्छा मुसलमान बने और दीन को सीखेंगे नहीं तो हमें कुछ नहीं पता होगा। जैसे थाने सियालकोट हुआ है, लोगों ने मारना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया, थोड़ी सी बात होती एक तैश में आ जाते हैं, सही दीन का इल्म नहीं है। माशाल्लाह इसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, ठीक है, साकिब रिज़वी साहब, अल्लामा साकिब रिज़वी साहब, तो इन जैसे बड़े बड़े उलमाए कराम ने इन पर बात की है कि ये गलत हुआ है। उसकी वजह यही है कि हमारे पास दीन का इल्म कम है, हमें क्या करना चाहिए, कुफार के बारे में कैसा हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, उस वक्त क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम एक अच्छे मुसलमान बन जाए। बहुत दुख होता है, ठीक, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो बहरहाल हमें एक अच्छा मुसलमान, बीइंग मुस्लिम, हमें अच्छे काम करने चाहिए और अच्छे मतलब उलमाए किराम के पास बैठे अपना क्यों वक्त हम ज़ाया करते हैं मीडिया पे, इन चीज़ों पे, पता नहीं क्या क्या फिल्मों के लिए, इन चीज़ों के लिए 3-3 घंटे हम लगा देते हैं, और तो हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा बच्चे हैं, बीवियां हैं, मतलब इसी तरह घर की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, बहन भाइयों की जिम्मेदारी, उनको अच्छा इंसान बनाना, पहले तो ख़ुद अच्छा इंसान बने ना, जब खुद अच्छा इंसान बनेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम औरों के लिए एक नमूना होंगे, एक मॉडल होंगे। तो इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो रही, बहरहाल ये बातें ज़रूरी थी, मेरा आई थिंक फर्स्ट भी लोग है जो मैं इस तरह बना रहा हूँ अपने फेस को सामने रख के, नहीं तो मेरी मल्टीपल वीडियोस होती हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहरहाल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इस पर आएँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की अपने तजर्बात को शेयर कर सकूँ आपके साथ। तो इस तरह मुख्तलिफ टॉपिक पे इंशाल्लाह मैं व्लॉग बनाता रहूँगा, तो ताकि अच्छी बातें आपको मिलें, और अच्छी बात फैलाना, इसको शेयर करना लोगों के साथ ज़रूरी है। और एक और बात, गरीबों का ख़ास ख्याल करें, गरीबों का, इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनका हम बहुत कम ख्याल करते हैं, अड़ोस पड़ोस का, पड़ोसियों का पूछें, आप भले नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर दाएं बाएं पड़ोसियों का नहीं पता, उनके घर में रोटी पकी नहीं पकी, उनके पास चीनी है या नहीं है, घी है या नहीं है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, तो इनका ज़रूर ख्याल करें, वरना बहुत सख्त पकड़ होगी, ना आपको नमाज़ छुड़वा सकेंगी और ना ही आपके रोज़े ज़कात तहज्जुद आपको छुड़वा सकेंगे, सॉरी ज़कात तो उसमें आ जाता है लोगों की खलके खिदमत में, तो मतलब ज़रूर जो है वो क्या कहते हैं, मैं वापसी जा रहा हूँ, तो ज़रूर जो है वो करें इन चीज़ों का ख्याल ताकि हम उनके दिलों से दुआएं हमारे लिए निकलें और हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो बहरहाल एक कुछ चीज़ें थी जो मैंने अब तक शेयर की हैं, ज़रूर अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें, उनका दवा दारू का, सारी चीज़ों का, उनके गम में शरीक हों, कोई भी मसला हो, बल्कि बगैर बताए उनकी हेल्प कर दिया करो यार, कुछ नहीं होता, ज़रा दिल बड़ा करके, ये इससे बहुत खुशी होती है, दिल को सुकून मिलता है बिना बताए, अगर आप उनकी अड़ोस पड़ोस वालों की या ढूंढ के किसी को, हम बाजार में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, काफ़ी गरीब लोग होते हैं जो मुस्तहिक होते हैं, तो उनको इस नज़र से देखेंगे यार ये मुस्तहिक है। बाकी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने क्या कहते हैं पेशा बनाया हुआ है और यंग है सब कुछ है, पर वो भी मुस्तहिक हैं जो यंग है सब कुछ है, जो डिज़र्व करते हैं उनको आप थोड़ी उनसे बात करेंगे यार, ये आप पैसे लें, इनसे कोई काम कर लें, या उनका जैसे काफ़ी माशाल्लाह यूट्यूबर हैं जो ऐसे लोगों के साथ उनका इंटरव्यू करके उनके जाते हैं, उनके हालात देखते हैं, पीछे बैकग्राउंड पर क्या है, तो वाकई उसमें ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे काफ़ी सारे जो होते हैं, यानी कि उनको सपोर्ट किया जाए, उनका घर नहीं है इस तरह, ये वो काफ़ी चीज़ें होती हैं यार, आप उनका जैसे काफ़ी यूट्यूबर हैं लाहौर के हैं,
बात सर भी भाई इसी तरह, और एक लेडीज़ है मुझे उसका नाम नहीं आता, तो आप इस तरह जाके उनकी पूरी हेल्प करें तो मज़ा आएगा जी। ठीक है, इसके साथ दीन पे चले, ठीक है, और अच्छे मुस्लिम बने, कामयाब इंसान बने, अपने घर वालों का साथ दें और अपने माँ बाप का अदब करें, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करें। उसने सलूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि अखलाक में जो सबसे पहला अमल तोला जाएगा वो बीवी और मियाँ बीवी का उसने क्या कहते हैं, उसने खुल्क जो है वो आपस में जो अखलाक होंगे वो तोले जाएंगे। तो इसलिए जो है कितनी बड़ी बात है यार, क्योंकि मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है कि सबसे पहला रिश्ता भी यही है और आखिरी रिश्ता भी यही है, जन्नत में भी ये रिश्ता होगा मियाँ बीवी का। ठीक है, तो इसलिए इसका बड़ा ख्याल करें, बड़ा नाजुक रिश्ता है, और उनका पूरा साथ दें। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आप लोग नाराज़ हुए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा एक छोटा सा टाउन है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, खानेवाल अब्दुल हकीम, यहाँ पर काफ़ी धुंध होती है तो जो है थोड़ी सी धुंध हट गई है, जैसे लाहौर में काफ़ी धुंध होती है इस तरह यहाँ भी धुंध होती है। बहरहाल तो मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।